नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। आज 3 मार्च यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे है। इस मौके पे डॉक्टर सारिका वर्मा और उनकी टीम के द्वारा मुफ्त में सुनने के जांच यानी हियरिंग टेस्ट किया जा रहा है। इसी मामले में हम इनसे बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है द ग्राउंड न्यूज़ में। और क्या कहना चाहेंगे आज आप? जी, आज वर्ल्ड हियरिंग डे है और ENT एसोसिएशन गुड़गांव ने ये तय किया था कि पब्लिक अवेयरनेस इस पर एक एक्टिविटी करें। हर साल हम कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। पिछले साल हमने वॉकथॉन किया था। हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें कि जो आपकी सुनाई है ये फाइनाइट है। आप इसको लंबा आराम से यूज़ करेंगे तो लंबा 80 साल तक भी चलेगी। आप इसको हेडफोन लगा के हॉर्न बजा के अगर आप ख़राब कर देंगे तो 40 साल में ख़त्म हो जाएगी। आज ये एक जो बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो है ई रिक्शा चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले। उनके लिए ये फ्री हियरिंग चेकअप हम कर रहे हैं उन्हीं के यहाँ, क्योंकि हम उनको क्लिनिक पर बुलाए तो वो अपने आते नहीं हैं। तो उनके ही यहाँ पे हुडा सिटी सेंटर के बाहर हमने परमिशन लेके एक यहाँ सेटअप किया है और यहाँ पे हियरिंग टेस्ट करके देख रहे हैं। और CISF के लोगों को भी बोला है, मेट्रो के लोग भी आ रहे हैं और जब जनरल पब्लिक में से भी लोग आ रहे हैं। उनको हम यही अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि कोई भी लाउड नॉइज़ है उससे बचें, गाड़ी जो है बिना हॉर्न बजाए चलाएँ। हमारे इंडिया में एम्बियंट नॉइज़ जो हैं दे आर 1000 times मोर देन वॉट इज़ अलाउड। जो WHO कहता है कि सिटी में 55 decibel से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, हमारे यहाँ एवरेज 75-80 decibel होता है। और आप सुन सकते हैं जोर जोर से जो आवाज़ें आती हैं धीरे धीरे आपकी जो सुनाई है वो ख़त्म कर देती हैं। इसलिए 60 साल के ऊपर जो 50% पॉपुलेशन उनको प्रेस्बिकोसिस या हियरिंग लॉस है, तो इसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ये भी बता रहे हैं कि अपनी सुनाई को संभाल के रखिए, ज़्यादा लंबा चलने दीजिए। जैसे कि हम जितना डेवलपमेंट की बात करते हैं, तरह तरह की चीज़ें आती है उसके साथ, एयर पोल्यूशन उसमें एक प्रमुख है, नॉइज़ पोल्यूशन जिससे हियरिंग पे असर होती है तो वो बढ़ता ही जाता है। तो इसको लेकर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है तो प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। देखिए, ये हमारी इंडिया की एक बहुत ही हैबिचुअल प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं पूरे कई कई दिन आप चले जाएं कोई हॉर्न नहीं बजाता, लेकिन इंडिया में एक आदत बनी हुई है कि गाड़ी में बैठे तो हॉर्न बजाना है, बाइक पे तो हॉर्न बजा के रखते हैं, ऑटो भी बस भी। जो हमारे वाहन चालक हैं उनकी एक ये मानसिकता बन गई है कि गाड़ी में बैठे तो हॉर्न बजाना है। और हॉर्न का जो लेवल है 90 से लेके 112 डेसिबल होता है इंडिया के जितने भी हॉर्न्स हैं, और 80 डेसिबल से ज़्यादा कोई भी नॉइज़ है वो आपको डेफनेस कॉज कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए आपने जो है बिना हॉर्न बजाए जिस तरह पूरा वर्ल्ड चला रहा है, उस तरह अगर हम ये एक ले आए, नो हॉर्न डे हम लोग 2008 से मनाए जा रहे हैं, बॉम्बे में सबसे पहले मनाया गया था, और ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नेशनल इनिशिएटिव फॉर सेफ साउंड के तहत हम ये काम कर रहे हैं। और बहुत सालों से हमारा ये कोशिश है कि लोगों को जागरूक करें कि हॉर्न बजाए बिना गाड़ी चलाई जा सकती है, ब्रेक लगा लीजिए तो आपको हॉर्न बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही हमारा प्रयास है कि लोगों को जागरूक करें। वर्ल्ड हियरिंग डे है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है UN की तरफ से, और हमारी ये छोटी सी प्रयास है कि हम लोगों को, गुड़गांव के लोगों को जागरूक करें। जैसे एक बार ये अगर हियरिंग चली जाती है तो क्या ये दोबारा आ सकती है? अगर ये नर्व लॉस होता है, हियरिंग लॉस दो प्रकार के होता है, कंडक्टिव लॉस और एक नर्व लॉस। कंडक्टिव लॉस वो होता है अगर पर्दा फट जाए या कान के पर्दे के पीछे पानी भर जाए तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, वो तो हम लोग दवाई से या सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर नस की कमज़ोरी हो जाए, जो सेंसोरियल हियरिंग लॉस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, तो उसमें वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई दवाई कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हम सर्जरी से भी ठीक कर सके, तो इसलिए हियरिंग एड लगता है। और जो बच्चे जो बॉर्न डेफ होते हैं, जो 1 out of 1000 people आर बॉर्न डेफ इन इंडिया, तो उनके लिए कॉकलियर इम्प्लांटेशन प्रोग्राम होता है। एक बहुत महंगा एक मशीन आती है जो सर्जरी के द्वारा कान के अंदर डाला जाता है, वो मशीन 5.5 से 10.5 lakh rupees की है, और उसका ऑपरेशन करके उसके बाद बहुत अच्छा हियरिंग स्पीच थेरेपी दे के ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल रूप में आ जाते हैं। तो इस वर्ल्ड हियरिंग डे पे ये भी एक आपके तरफ से एक मैं मैसेज देना चाह रही हूँ, जिसके भी घर में बेबी पैदा होता है उनका यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है। हर बच्चे को हम टेस्ट करें कि 1000 में से 1 बच्चा जो है वो बहरा पैदा होता है। इस बच्चे को हम जल्दी आइडेंटिफाई करें, उनका हम ट्रीटमेंट करें, तो ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो सकता है। और अगर हम इनको निग्लेक्ट कर दें और 3 से 5 साल के बाद उनकी सर्जरी ना हो तो फिर ये पूरी लाइफ डिसेबल्ड और साइन लैंग्वेज में रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर कोई भी बच्चा पैदा हो उसकी हियरिंग टेस्ट जरूर कराएं। जी बिल्कुल, समस्या का बचाव ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसा कि मैम ने सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी ये कहना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए, खासकर जैसे हमारे ऑटो ड्राइवर भाई हैं, ई रिक्शा वाले ब्रदर हैं, टैक्सी वाले हैं, हमें उनको भी हमें मोटिवेट करना है कि हम कम से कम हॉर्न का इस्तेमाल करें। और इनफैक्ट उनको बताना चाहिए कि दूसरे जो तेज़ हॉर्न बजा रहे हैं कम से कम उनको भी उनको गाइड करना चाहिए कि आप हॉर्न ना बजाएं। और जैसा कि मैम ने अभी बताया
कि जो छोटे बच्चों में हमें हियरिंग की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा तो हम बीमारी का इलाज कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए हियरिंग असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें पता लग सके कि ये बीमारी है तो हम उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सकें। प्लस दूसरी बात क्या होती है, लोगों में एक मिसधारणा ये भी है कि लोग सोचते हैं अगर हम हियरिंग एड लगाएंगे, कान की मशीन लगाएंगे तो लोग हमें बहरा बोलने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, देखो लोग चश्मा भी तो लगाते हैं अगर आँखें कमज़ोर हैं, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आजकल बहुत अच्छे हियरिंग एड आ रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो उसको ज़रूर हियरिंग एड लगाना चाहिए, नहीं तो वो सुनाई धीरे धीरे और ख़राब होती चली जाती है, फिर एक लिमिट ऐसी आती है उसके बाद हियरिंग एड या मशीन भी काम नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सर, जैसे कि हम गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाते हैं, तो उसी तरह हॉर्न में हम ऐसे लगा सकते हैं कि उसने डेसिमल से ज़्यादा हो ही नहीं सकता? आजकल वैसे जो प्रेशर हॉर्न है वो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा ग्रे मार्केट वगैरह में ना लोग ज़बरदस्ती वो सब चीज़ें लगाते हैं, और उनको हमें बैन करना चाहिए। और एक मतलब मैं ट्रैफिक पुलिस से भी एक अनुरोध करूँगा कि उनको स्ट्रिक्टली बैन करें और उनके चालान, जैसे जैसे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट करेंगे तभी ये सब चीज़ें सुधर पाएंगी। और ये इसके लिए हम काम कर रहे हैं, गुड़गांव ENT एसोसिएशन इसके लिए काम कर रही है। हमने लास्ट ईयर अपना जो ट्रैफिक पुलिस है उनको भी काफ़ी मोटिवेट किया था, उनको भी सब चीज़ें समझाई थी, तो काफ़ी बेटर हो रहा है, लेकिन अभी बहुत टाइम लगा है। लेकिन हमें ग्राउंड लेवल पर काम करना है, जैसे कि हम आज कर रहे हैं, हम अपने ऑटो वाले भाइयों को, ई रिक्शा वाले भाइयों को बता रहे हैं कि आपको हॉर्न कम से कम बजाना है, जहाँ जरूरत हो वहीं बजाएं, नहीं बजाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे ही हम एयर जो अपना नॉइज़ पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। सर आपको क्या लगता है इस पर कितना और काम करने की ज़रूरत है? सर इस पर काम तो बहुत करने की ज़रूरत है, आज फिर भी हम एक अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ, कोरोना या आज से चलो 10 साल पहले की बात है कि मैं बहुत ईयरफोन्स यूज़ करता था, चाहे काम के लिए, म्यूज़िक, कुछ वीडियोज़ देख रहे हैं। कोरोना के टाइम पे तो बिल्कुल, जब लॉकडाउन लग गया था तो हम इंटरनेट पे इतना डिपेंड हो गए थे कि सारा दिन ईयरफोन्स लगे रहते थे। वो ट्रैफिक का तो मैम ने जैसे बता दिया, मैं ईयरफोन्स एडिक्ट था, बाद में जब मैम के टच में आया तो मुझे पता चला क्या इफ़ेक्ट्स आ गए हैं। मैम ने चेक किया मेरा कान और मुझे पता चला कि मैं काफ़ी हद तक, मेरी नर्व्स वीक हो चुकी हैं, वो थोड़ा सा दवाई से काम चल रहा है। बट इसीलिए मैं थोड़ा सा इमोशनली भी अटैच्ड हूँ इस प्रोग्राम या इस मुहिम के लिए, क्योंकि मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ कि अगर मैं इतना एडिक्ट होके अपने मतलब अपना फ्यूचर देख पा रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, तो कल को अगर जो यूथ आएगा, जो अब आज 20s में है या 30s में अभी स्टार्टिंग करने वाला है, तो उनका तो कल को अगर जितना वो एडिक्ट है, मेट्रो में हम जाते हैं सारा दिन हर कोई ईयरफोन्स लगा के बैठा होता है, कार में लगाए ईयरफोन्स होते हैं, ज़्यादातर लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, ऑटो में बैठे, तो हम यूथ का देख पा रहे हैं कि क्या फ्यूचर होने वाला है। तो इसलिए इसके ऊपर मैं इमोशनली ही नहीं, पर्सनली ही अटैच ही नहीं, बट मैं करना चाहता हूँ जो भी कर सके, जो आज से 10 साल पहले लोगों ने नहीं किया आज लोग स्टार्ट कर चुके हैं, और आगे बहुत काम करने की ज़रूरत है इसके लिए। जैसे कि आपने इन्हें सुना और इनका कहना है कि सिर्फ गाड़ियों के हॉर्न ही नहीं, जो हमारे डेली लाइफ है जिसमें हम ईयरफोन यूज़ करते हैं, हेडफोन्स यूज़ करते हैं, वो भी हमारे लिए ख़तरनाक है और उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। सर आपको क्या लगता है, जो कि यूथ है खास करके जो कम एज में होते हैं तो वो हेडफोन्स यूज करते हैं, अपने घर पे भी बैठे होते हैं तो साइलेंटली लगाते हैं, और अब तो ऐसे ऐसे हेडफोन आ रहे हैं कि कान में लगाओ तो लगता है जैसे हियरिंग एड है, तो उस पर आप क्या कहेंगे, ये कितना ख़तरनाक है? देखिए हम पहले सुना करते थे कि साइंस आविष्कार भी है और अभिशाप भी है। ये ईयरफोन, हेडफोन, वायरलेस, कॉर्डलेस इतने आ गए हैं। इवन मैं अपना एग्जांपल दूं कि मॉर्निंग वॉक के टाइम हम लोग जनरली, मैंने देखा है, हेडफोन लगा के चलते हैं, और मैंने इसका एक्सपीरियंस किया। जब आप मॉर्निंग वॉक में अपने वाईफाई और हेडफोन लगा के चलते हैं तो एक टाइम के बाद वो हेड के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर देता है कि मैंने 2-3 दिन लगाए, बट आफ्टर दैट मेरे को वो हटाने पड़े, और मैं बहुत अच्छे तरह से एनवायरनमेंट, चिड़ियाँ की आवाज़ें सब सुन के बहुत प्लीज होता है। तो ये एक पेनफुल डिवाइस है, और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, स्पेशली जो ब्लूटूथ और वाईफाई, डेफिनेटली वो रेडिएशंस हैम्पर करते हैं माइंड को कहीं ना कहीं। आज हम कहते हैं मोबाइल फ़ोन को पॉकेट में ना रखें कि आपको हार्ट अटैक का चांसेस हो सकता है, तो ये चीज़ें भी रेडिएशंस तो क्रिएट करती ही करती हैं कहीं ना कहीं, तो ये हार्मफुल भी हैं। और आपने देखा होगा पहले के टाइम में इवन जो पुलिस भी थी, ट्रैफिक पुलिस चालान वगैरह क्रिएट करती थी प्रेशर हॉर्न्स के ऊपर, जो रोडवेज की बसेस करती थी उसके ऊपर चालान होते थे। तो मैं कहना चाहूँगा एडमिन को भी और दिल्ली पुलिस को, ये सब चीज़ें के ऊपर चालान होने चाहिए, जिससे कि आज हम देखते हैं हॉस्पिटल्स के बाहर एक लगा होता है साइन बोर्ड, बट ये जनरली ये चालान एक्टिविटी में होगा तो आई एम श्योर कि ये सब चीज़ें बंद होगी और एक नॉइस पॉल्यूशन जो है वो डेफिनेटली कम होगा। सर जैसे कि मैं बात करूं तो आप सीनियर भी हैं, पहले के समय में और आज के समय में
आपको क्या लगता है क्या ऐसा बदलाव हुआ कि समस्या बढ़ती जा रही है? सर, मैं सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड हियरिंग डे पे ENT एसोसिएशन गुड़गावा की तरफ से एक बहुत ही सार्थक प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंदर लोगों के बीच में ये जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से अगर हम जागरूक होंगे तो अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि जो पहले और आज की परिस्थितियों में ऐसा क्या बदलाव आया है, आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होने लगा है, मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ ज़्यादा होने लगा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती है तो ये सब चीज़ें आनी स्वाभाविक है, लेकिन हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो। हम घर के अंदर भी अगर बच्चों को ये जागरूक करेंगे कि हमारे यहाँ जो हम कान में है ये जो ईयरफोन लगाते हैं ये हमें कितना नुकसान देता है, तो ये जो जागरूकता है ये हमारे घर से शुरू होती है। बाहर हम लोगों के बीच में बाद में जा सकते हैं, अगर छोटे बच्चे को भी ये बताने की कोशिश करें, हर परिवार ये समझाने की कोशिश करें कि हम किस प्रकार से आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस एनवायरमेंट के अंदर कितना ज़्यादा शोर रहता है, तो इस शोर का असर स्वाभाविक रूप से हमारे कानों पर भी होता है, हमारा हियरिंग लॉस भी होता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि हम जितना ज़्यादा जागरूक होंगे उतना बेटर तरीके से हम अपना बचाव भी कर सकेंगे, और उसके बाद में सरकार की तरफ से ये प्रयास होना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस या बाकी जो इसके अंग हैं वो सारे मिलकर लोगों को जगह जगह जहाँ पे हम लोगों को बताते हैं कि हमें किस प्रकार से रोड सेफ्टी के बारे में ध्यान देना चाहिए, उसी प्रकार से अगर हम इन चीज़ों के बारे में भी लोगों को प्रयास करें बताएं, तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस समस्या से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे देख सकते हैं हमारे साथ कुछ CISF के अधिकारी भी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आप जब अभी टेस्ट करवा के आए हैं तो कैसा टेस्ट रहा आपका? बहुत अच्छा टेस्ट रहा, और मैडम का जो सजेशन था वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, और मुझे एक टैबलेट भी दिए हैं कुछ हफ्तों के लिए, मैं उनका यूज़ करूँगा, और अच्छा लगा आप लोगों का, बहुत अच्छा। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका ये टेस्ट रिपोर्ट है, इन्होंने टेस्ट किया और ये कह रहे हैं इनका टेस्ट नॉर्मल आया है, नॉर्मल नहीं है। अच्छा, बेसिकली क्या है कि जहाँ पर भी ये नॉइज़ ज़्यादा होता है, सर ने बताया कि जहाँ बैठते हैं वहाँ पर सुनाई बहुत ज़्यादा, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो हमें यही हम करना चाहते थे हम लोग, अगर आपको इनको अवेयर कर दिए हैं तो अब ये प्रोटेक्टिव गेयर लगाएंगे, अब इनके ये अपने ऑफिसर से बात करेंगे कि सर जहाँ मैं बैठता हूँ ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है जिसकी वजह से मेरे कानों पे असर पड़ रहा है, तो हम इनका जो है बहुत ज़्यादा होने से पहले हम इसको रोक सकते हैं। इस कैंप का मैं कहूँ कि आज हमारा बेनिफिट तो एक पेशेंट से ही हो गया, अगर एक आदमी का भी ज़िंदगी सुधर जाता है हमारे प्रयास से तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। यानी इनिशियल स्टेज में आप देखें इनको देख के इन्हें नहीं एहसास था कि इनको कोई दिक्कत है, लेकिन इनको टेस्ट इनकी टेस्ट की गई तो इसमें इनिशियली प्रॉब्लम स्टार्टिंग की दिखी, और इसे अगर अभी से रोक लिया जाए तो बड़ी समस्या होने से बचा जा सकता है। और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर, जैसे कि आप लोग ड्यूटी करते हैं, बाहर में रहते हैं, क्राउडी जगह होता है, मेट्रो स्टेशन होता है या कहीं भी करते हैं, तो आपको लगता है कि इसमें सुनने के लिए कितनी प्रॉब्लम होती है और कितना इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? हाँ, जब लाउड ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम तो आती है सुनने में, लेकिन अब जैसे चेकअप होगा, जब कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम है उसका पता चलेगा, तो उसको पहले से मतलब कोई भी हानि होने से पहले उसको बचा जा सकता है। तो आपकी टीम के तरफ से समय समय पर ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं जिससे कि पता चले कि हमारे जो ऑफिसर्स है या जो भी सिपाही या जो भी है उन पर असर कम पड़े? हाँ, हमारा रूटीन चेकअप होता है, इससे कोई असर तो जो रूटी है वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन रूटीन चेकअप होता है उससे पता चल जाता है। और भी लोग हैं सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आप काम करते हैं, हर कोई अपना काम करते हैं, आपका काम है, आप बाहर में होते हैं, हर जगह पे आपको ड्यूटी करना होता है, प्रोटेक्शन करनी होती है, काम पे ज़्यादा ध्यान होता है, तो इसमें अपना ध्यान रखना, खास करके हियरिंग देखना सुनना ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको लगता है कि ध्यान रख पाते हैं सही से? नहीं, वैसे तो मेंटली तो इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, आवाज़ लाउड सिटी में तो होता ही है, लेकिन उतना ध्यान नहीं रख पाते, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉपर हमारा चेकअप रूटीन जो चलता है उस हिसाब से करते हैं ताकि फिट रहे, ड्यूटी बेहतर से बेहतर कर सकें, लेकिन फिर भी ये कैंप लगाए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तो हम चेकअप करवाएंगे, अगर कुछ इनके द्वारा सलाह दी जाती है तो हम उसको जरूर फॉलो करें। किस तरह की मेजर्स का ध्यान रखते हैं, किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखते हैं जिससे कि अपनी सुरक्षा बनी रहे, खास करके सुनने की और देखने की? देखने के लिए जैसे जीरो डायोप्टर का चश्मा वगैरह जो डिपार्टमेंट के दिले समय उपलब्ध करा रखा है, हॉस्पिटल है हमारे पैनल के, उनमें कान के लिए चेकअप होता है, बाकी कोई रूटीन हिसाब से
ये लगा है, इनके द्वारा जो भी कुछ बताया जाएगा हम उसको फॉलो करेंगे ताकि हम सुरक्षित रह सकें। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भूषण पाटिल जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज वर्ल्ड हियरिंग डे पे कैंप का आयोजन हुआ है और काफ़ी सारे लोगों में सुनने की समस्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, और आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस बार का जो वर्ल्ड हियरिंग डे है, इसका थीम है, हर साल एक थीम होता है, इस साल भी थीम है चेंजिंग माइंडसेट्स। मतलब हमें लोगों की एक परसेप्शन चेंज करना है कि हियरिंग एक इशू है। बिकॉज होता क्या है कि हम हर तरह की ब्लड टेस्ट करते हैं, साल में 6 महीने में रिपीट करते हैं, सब कुछ करते हैं, आँखों की टेस्ट होती है, सब होती है, कानों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो वो परसेप्शन हमें लोगों का चेंज करना है कि कान भी हमारे शरीर का एक हिस्सा है और उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आज के टाइम पे जो नॉइज़ पोल्यूशन है और दूसरा मोबाइल हेडफोन ईयरफोन के चलते जो मोस्टली छोटे छोटे बच्चे हैं वो कान में लगाए अपना, आजकल ऑनलाइन जो क्लासेस हो गई है कोविड के बाद, उसके कारण हमेशा उसी पे रहते हैं, अब एक आदत सी पड़ गई है, वो एक हमारी जीवन का एक हिस्सा बन गया है कि बस हेडफोन लगा के ही काम करना है, वो बहुत खतरनाक हो गया है। इस टाइम पे दुनिया की 30% जो यंगस्टर्स हैं वो कान की समस्या और सिर्फ हेडफोन ईयरफोन के कारण परेशान हैं। हम लोग कोशिश यही, अवेयरनेस इस बार की थीम जो है कि हमें लोगों को ये बताना है कि हाँ, हियरिंग भी एक इशू है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी तक लोग हियरिंग को इशू समझ ही नहीं रहे। समझते ही नहीं थे ना, कभी हियरिंग का इशू ही नहीं समझते थे कि ऐसा भी हो सकता है। अभी आप ये कैंप में देखिए कि जितने हम मरीज यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, कितने लोगों को हियरिंग का इशू आ रहा है, तो लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं है, क्योंकि हेडफोन ईयरफोन लगाते हैं उससे वैसे ही वॉल्यूम बढ़ा के काम करते हैं तो नेचुरली पता ही नहीं चलता कि इशू है। तो ये हमें इस बार लोगों का माइंडसेट चेंज करना है, ये बताना है कि नहीं ये इशू है। क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को, क्या कहना चाहेंगे? यही कि जैसे अभी हम लोग यहाँ भी बात कर रहे थे, यंग जनरेशन जो है, जो नए बच्चे हैं, इनको जैसे हर माँ बाप कहते हैं कि आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे, तो मैं हमेशा कहता हूँ आजकल के बच्चे कोई दो एक्स्ट्रा हाथ पैर के साथ तो पैदा नहीं हो रहे हैं। आजकल के माँ बाप हैं जिनको ये अवेयरनेस ज़रूरी है कि आप हर एक चीज़ दुनिया के साथ साथ अपने बच्चों को महंगे से महंगे गैजेट्स, महंगे से महंगे फ़ोन, हेडफोन, ईयरफोन, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो बच्चों को किसने दिया ये सब चीज़ें? माँ बाप नहीं दिया, तो ये जवाबदारी माँ बाप की ज़्यादा है, बजाय कि हम बच्चों को दोष देते रहे कि आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे। भाई माँ बाप बदलेंगे तभी बच्चे बदलेंगे ना, जो संस्कार है। अब कितने मरीज़ हम देखते हैं तो बच्चों को हम डांटते हैं क्लिनिक में कि आप ये मत करो, वो सामने बोल देते हैं अपने पेरेंट्स के कि मेरे पापा तो लगाए रखते हैं तो फिर मैं क्यों ना लगाऊँ। तो ये उदाहरण पेरेंट्स को ही सेट करना पड़ेगा अपना, तब जाके आगे वाली जनरेशन इस प्रॉब्लम से बचेगी। इसके बारे में अगर हम लोगों को जागरूक करते हैं तो इससे बचा जा सकता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए आप बने रहे द ग्राउंड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।